दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राइड फॉर एडवेंचर। और अब आगे अपनी अगली सीरीज में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे है ना जो फतेहपुर सीकरी की जो सीरीज है और उसकी अगली वीडियो दोस्तों ये यहाँ पर हम आपको है ना दिखाएंगे, जो कि एक अनूप तालाब है और जो राजा या बादशाह अकबर थे उनकी जो ख्वाबगाह कैसे कह सकते हैं, ख्वाब का महल कह सकते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए और बने रहिए हमारी इस वीडियो में, चलिए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। दोस्तों हमारे सामने जो आप ये तालाब देख रहे हैं, इसे है ना अनूप तालाब कहा जाता है या इसे चार चमन भी कहते हैं। क्योंकि चार चमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सेंटर से, जैसे आप देख रहे हैं जो सेंटर है, उस सेंटर से चारों तरफ इसके रास्ते निकले होते हैं। और तालाब इसलिए क्योंकि दोस्तों बेसिकली पानी भरा हुआ है इसमें। और जो राजा तानसेन हुआ करते थे, या जैसे है ना अकबर के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन, और वो है ना एक म्यूजिशियन थे, और उनके है ना यहाँ पे क्या है कि कॉम्पिटिशन हुआ करते थे म्यूजिक के। तो यहाँ पे है ना जो प्रोग्राम हुआ करता था उनका यहीं पे हुआ करता था, और यहाँ पे बैठकर वो सेंटर में राग गाया करते थे, जिससे लोग कहते हैं कभी कभी बरसात भी हो जाया करती थी। तो दोस्तों हमने बताया था आपको जोधा बेगम यहाँ से इस प्रोग्राम को देखा करती थी, और जो बादशाह अकबर थे वो यहाँ से इस प्रोग्राम का आनंद लिया करते थे। दोस्तों ये था अनूप तालाब, और इसे है ना जो बादशाह अकबर थे उनकी है ना ख्वाब हुआ, यहाँ ख्वाबों का महल भी कहते हैं, यहाँ अकबरी महल भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं, हमने आपको है ना जो अनूप तालाब था वो दिखाया, और चलते हैं हम नेक्स्ट ख्वाब महल की तरफ। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।